आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला भेद सरल वाक्य, दूसरा भेद संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद मिश्रित वाक्य। इन तीनों के संबंध में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला भेद सरल वाक्य। सबसे पहला भेद है सरल वाक्य। यह सरल वाक्य का क्या अर्थ होता है? सरल वाक्य का अर्थ होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया शब्द हो। ठीक है, एक कर्ता हो, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के संबंध में तुम्हें पहले जानकारी दे दी गई है। उद्देश्य कहते हैं वाक्य के कर्ता को, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पुस्तक पढ़ने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम को उद्देश्य कहा जाएगा। वाक्य को देखो क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य से उद्देश्य को छांटना कठिन काम नहीं है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के बारे में क्या कहा गया, पुस्तक पढ़ता है, कितना कहा गया राम के बारे में, तो जो कुछ कहा गया राम के बारे में, जो कुछ जितना कुछ कहा गया सब विधेय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है है।
गीता गाना गाती है, तो इस प्रकार जो है ये सब सरल वाक्य के उदाहरण है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये एक ही विधेय, विधेय कहते हैं क्रिया को। यहाँ पर देखो एक ही क्रिया है, मूल क्रिया है गाना। सीता क्या करती है? गाती है, गीत गाती है। तो विधेय में हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, लेकिन मूल विधेय है यहाँ पर गाना, गीत। ठीक है, तो एक ही है ये। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य छोटे छोटे वाक्य होते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, हवा चलती है, हवा बहती है या बह रही है, पेड़ झूम रहे हैं, ठीक है, सूरज उगता है, तारे टिमटिमाते हैं, विद्यालय खुला है, आज रविवार है, सोमवार है, ये सब छोटे छोटे वाक्य जो हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। इसे ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे पिछली कक्षा में तुमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो आठ भेद होते हैं वो सर्व के सर्व सर्व वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो तुमने वाक्य भेद पढ़े वो सारे के सारे सरल वाक्य हो सकते हैं। वे सभी भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। वे सभी भेद सरल वाक्य वे सभी भेद सरल वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, ये समझो। तो सरल वाक्य को पहचानना कठिन नहीं है। आमतौर पर हम लोग जो बात करते हैं किसी से, तो छोटे छोटे वाक्यों में बात करते हैं, वे प्रायः सरल वाक्य ही हुआ करते हैं अधिकांशतः। ठीक है ना, अब देखो दूसरा भेद है, संयुक्त वाक्य।
दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखो संयुक्त का अर्थ क्या होता है। संयोग से बना है संयुक्त, संयोग मतलब जुड़ना। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें दो वाक्य जुड़े होंगे। दो या दो से अधिक वाक्य जब सरल वाक्य जब जुड़ जाते हैं, सरल वाक्य दो या दो से अधिक जब सरल वाक्य जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ जाने के बाद जो वाक्य बनता है उसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि संयुक्त वाक्य में जो सरल वाक्य जुड़ते हैं, जो मिलते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मैंने बताया था कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ शब्द होते हैं। जैसे मान लो कि किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, अथवा, या, ठीक है, इसलिए, अतः, अतएव, ऐसे ऐसे जो शब्द हैं ये सब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक का काम ही है जोड़ना, उसका अपना कोई काम नहीं है, उसका काम केवल जोड़ने में किया जाता है। है ना, शब्द के आठ भेद तुमने पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब की अलग अलग भूमिका है। संज्ञा की बहुत बड़ी भूमिका है, व्याकरण जब पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत तरह की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सब उसी तरह से सर्वनाम है। सर्वनाम में देखोगे कि सर्वनाम की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है भाषा में। विशेषण है, विशेषण के बहुत से काम होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना। तो समुच्चय बोधक जो है, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक जो है, इसका काम ही है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ना। तो विशेष रूप से वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक कहलाता है, है ना। इसका एक ही काम है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा होगी कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ये याद रखना है, जब मिलेंगे, जब जुड़ेंगे तो सरल वाक्य होंगे, है ना। जिस सरल वाक्य के बारे में अभी जानकारी तुम्हें दी गई है वे ही जब मिल जाते हैं तो उनके मिल जाने पर क्या बन जाता है, उनके मिल जाने के बाद एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर मैं लिख रहा मैंने पुराना मकान बेच दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सरल वाक्य हो गया, है ना।
ये क्या हो गया, एक सरल वाक्य हो गया। फिर आगे देखो, पिताजी ने पर्स खोला, पिताजी ने पर्स खोला और पैसे दिए। अब देखो इसमें दो सरल वाक्य है, पिताजी ने पर्स खोला, एक सरल वाक्य हो गया, दूसरा है पैसे दिए, और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, इन दोनों को जोड़ने वाला है ये और, ये और जो है यह समुच्चय बोधक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो दो सरल वाक्यों को जोड़ा और जोड़ने से यह एक वाक्य बन गया। अब इसका नाम हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्यों है, इसलिए कि इसमें दो सरल वाक्य जोड़े गए हैं। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, जोड़ने वाला ये है, इसे हम समुच्चय बोधक कहेंगे, है ना। और इन दोनों को क्या है कि यहाँ पर हम उपवाक्य कहेंगे। जुड़े हैं दो सरल वाक्य, लेकिन ये जब सरल वाक्य वाक्य में आ गए, एक संयुक्त वाक्य हो गया, तो वहां पर वाक्य में इनका नाम हो जाएगा उपवाक्य। यहाँ दो उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य यह। दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो दो सरल वाक्य बन जाएंगे। पहला अलग करो, पिताजी ने पर्स खोला, पिताजी ने पर्स खोला, एक सरल वाक्य हो गया। कैसे सरल वाक्य हो गया, पर्स खोलने वाला कौन है, पिताजी, यह उद्देश्य हो गया, और पिताजी के बारे में क्या कहा गया, पर्स खोला, ये विधेय हो गया। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए विधेय कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ दो, ये एक सरल वाक्य हो गया। दूसरा सरल वाक्य क्या है, पिताजी ने पैसे दिए, पिताजी ने पैसे दिए। जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से दो सरल वाक्य बन जाएंगे। अब यहां पर है पिताजी ने पर्स खोला और पिताजी ने पैसे दिए, तो दोनों जगह पिताजी लिखना जरूरी नहीं है, एक जगह साइलेंट है ना। यहाँ भी यदि पिताजी जोड़ दिया जाएगा तो वाक्य थोड़ा अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर, लेकिन जब सरल वाक्य बनेगा अलग से तब यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, पिताजी ने पैसे दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरल वाक्य में दो, ये संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, और ये सरल वाक्य संयोजक से जुड़े रहते हैं, और जब एक वाक्य बन जाता है तो उस वाक्य का नाम संयुक्त वाक्य पड़ जाता है, और उन दोनों सरल वाक्यों को वहां पर हम उपवाक्य कहकर संबोधित करेंगे। ठीक है, ये सरल वाक्य। लेकिन एक बात इसमें और है, सरल वाक्य में क्या है कि जो भी, तो ये संयुक्त वाक्य में क्या है कि जो भी सरल वाक्य मिलते हैं, जो उपवाक्य कहलाते हैं, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाने के बाद दोनों अपने स्वतंत्र कहलाते हैं, वे दोनों स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि दोनों अपने अपने अर्थ देने में सक्षम हैं, है ना। माने कि इसके लिए पिताजी ने पर्स खोला, एक पूरा अर्थ निकल रहा है, पिताजी ने पैसे दिए, पूरा अर्थ सेंटेंस बन गया, है कि नहीं, और अर्थ निकल रहा है, माने पैसे देने का काम पिताजी ने किया,
और पर्स खोलने का काम पिता ने किया, तो दोनों स्वतंत्र हैं। क्यों? तो अपने अपने अर्थ देने में सक्षम हैं। अर्थ देने में सक्षम रहने के कारण ही इन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहा गया है, ये ध्यान रखो। तुम देखोगे स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए कहा गया है क्योंकि तो ये दोनों उपवाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हैं, है ना। जब इसके बाद का भेद पढ़ोगे, जैसे मिश्रित वाक्य पढ़ोगे तो मिश्रित वाक्य में भी सरल वाक्य होते हैं, मन उपवाक्य वहां भी होते हैं, ठीक है, उपवाक्य वहां भी होंगे, लेकिन वहां जो उपवाक्य होंगे उनमें से एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा आश्रित कहलाता है। आश्रित क्यों कहलाता है? तो प्रधान जब जुड़ जाएगा तभी आश्रित का मीनिंग निकलेगा, मीनिंग फुल होगा, और प्रधान यदि नहीं जुड़ेगा तो वो अर्थ कभी नहीं पूरा देगा। इसलिए वहां पर जो है माने एक को दूसरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी को किसी की जरूरत नहीं है, है ना। दोनों उपवाक्य जो है यहाँ पर पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हैं, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहा गया है। अब यदि हम परिभाषा के रूप में फिर से एक बार कहें तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं, और ये उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र इसलिए होते हैं क्योंकि वे अर्थ प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं, ठीक है। अब देखो संयुक्त वाक्य के भेद भी होते हैं। संयुक्त वाक्य के भेद क्यों होते हैं? इसलिए कि संयोजक कई तरह के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, है ना, अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अव्यय क्यों कहा गया? क्योंकि इनका रूप हमेशा एक सा रहता है ना। मैंने लिंग वचन काल आदि का कोई भी असर जो है इन पर नहीं पड़ता है, इनका रूप हमेशा एक सा रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। और यह दो या दो से अधिक वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें संयोजक कहा गया। तो समुच्चय बोधक कई तरह के होते हैं, लेकिन विद्वानों ने सारे समुच्चय बोधकों का अध्ययन किया और उनको चार भागों में बांटा, ठीक है। तो समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं, और चार प्रकार के समुच्चय बोधक होने के कारण संयुक्त वाक्य भी चार प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखो। समुच्चय बोधक को जो है चार भागों में मुख्य रूप से बांटा है। चार भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, इसलिए समुच्चय बोधक के भेदों के आधार पर संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं। यहाँ पर मैं संयुक्त वाक्य के भेद लिखूंगा। संयुक्त वाक्य के भेद, ठीक है, देखो पहला हो जाएगा, पहला भेद हो जाएगा संयोजक।
संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा भेद हो जाएगा विभाजक। विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा हो जाएगा विरोध वाचक। विरोध वाचक संयुक्त वाक्य। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। और चौथा हो जाएगा परिणाम वाचक। परिणाम वाची चाहे वाचक एक ही बात है। परिणाम वाची संयुक्त वाक्य। अब देखो संयोजक विभाजक विरोधवाचक और परिणाम वाचक, ये चार तरह के समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, जैसे संयोजक में हो जाएगा और तथा एवं, जैसे आप चलिए और किसी को भेज दीजिए, आप चलिए और किसी को भेज दीजिए, आप चलिए और मैं आ रहा हूं, इस प्रकार से आप चलिए एक उपवाक्य हो गया और मैं आ रहा हूं दूसरा उपवाक्य हो गया इसमें, क्योंकि यह और से जुड़ा हुआ है, दोनों और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ उपवाक्य होंगे। लेकिन है ये वाक्य, जब अलग हो जाएंगे इनको, जब और हटा देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग हो जाने पर तब ये सरल वाक्य कहलाएंगे, वरना अभी ये उपवाक्य कहलाएंगे, क्योंकि ये और से जुड़ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर और जो है यह केवल संयोजक है, जोड़ने का सिर्फ काम कर रहे हैं, है ना। और दोनों जो है माने जो उपवाक्य है वो दोनों उपवाक्य में आपस में जो है स्वतंत्र है। अब देखो अगला है, आगे है, जैसे वह खुद चलेगी तथा आपको भी ले चले, वह खुद चलेगी या मैं खुद चलूंगा और आपको भी ले चलूंगा तथा आपको भी ले चलूंगा, मैं खुद चलूंगा तथा आपको भी ले चलूंगा, यहाँ पर दोनों क्या है उपवाक्य हैं और जुड़े हुए हैं किससे, तथा से, इसलिए तथा जो है यहाँ पर संयोजक समुच्चय बोधक कहलाएगा। इस प्रकार से संयोजक हो गया। अब क्या है विभाजक। विभाजक क्या है, विभाजक में इसका नाम ही है विभाजक, माने दो उपवाक्यों के अर्थों को विभाजित करता है ये,
है ना, जैसे क्या कह रहा है कि जैसे तुम पहुंच जाओ वरना मुलाकात नहीं होगी। यहाँ वरना वरना जो है इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तुम पहुंच जाओ मुलाकात नहीं होगी, वरना मुलाकात नहीं होगी, ये क्या है, विभाजक है ना, दो दोनों के अर्थ में विभाजन कर रहा है, तालमेल नहीं है। तुम पहुंच जाओ, नहीं पहुंचोगे तो मुलाकात नहीं होगी। इस प्रकार से वरना या नहीं तो, है ना, ऐसे जो समुच्चय बोधक हैं ये विभाजक कहलाते हैं। तीसरा है विरोधवाचक। विरोधवाचक में उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट होता है और ऐसे जो उनको विस्मयादि ये हैं, संयोजक हैं, कौन कौन, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, है ना, ऐसे ऐसे जो समुच्चय बोधक शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, विरोध मूलक कहलाते हैं या विरोध वाचक कहलाते हैं। और इनका प्रयोग होने से वह वाक्य क्या कहलाता है, तो विरोध वाचक संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आऊंगा तो सही पर खाना नहीं खाऊंगा, मैंने समझाया था लेकिन वह समझा नहीं, है ना, यहाँ पर लेकिन का प्रयोग हुआ, मैंने समझाया था लेकिन वह समझा नहीं, यहाँ लेकिन का प्रयोग हुआ, इसलिए लेकिन के प्रयोग के कारण जो है इसे, इस वाक्य को विरोध विरोधवाचक वाक्य कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आगे देखो आगे क्या कह रहा है। चौथा है परिणामवाची। इसमें परिणाम का बोध बताता है, संबंध बताता है, कार्य और परिणाम का संबंध बताता है। जैसे बारिश आ गई, यह कार्य हो गया, इसलिए मैं न आ सका, यह उसका परिणाम हो गया, है कि नहीं, बारिश के कारण वो नहीं गया, उसका ही परिणाम हो गया। इस प्रकार से ऐसे वाक्य जो होते हैं ये परिणाम वाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और ऐसे वाक्य में इसलिए, अतः, अतएव, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है, है? तो आज जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के संबंध में हमने आज जानकारी प्राप्त की है ना। इसके बाद फिर जब दूसरी कक्षा लगेगी तो उसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे मिश्रित वाक्य के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद।